नेहा मैम ऑनलाइन क्लासेस। आई होप आप मेरे टीचिंग वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको ये मेरे कॉन्सेप्ट्स जो मैं डिलीवर कर रही हूँ वो समझ में भी आ रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मैसेजेस और पिक्स को सेंड करके जब भेजते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे तो अच्छा लगता है कि आप लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हो, ओके। और इसी तरह से आप मोटिवेट करते रहो मुझे ताकि मैं आगे के वीडियोज भी बनाती रहूँ आपके लिए और आप लोगों को भी कुछ बेनिफिट होता रहे। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग माई टूडेज टॉपिक, दैट इज सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉइंट। तो पहले मैं एक बार बता दूं कि हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में क्या किया था। In previous video, we have studied about the regular and irregular polygons and angle sum property of polygons. और मैंने आपको 3.1 exercise से 6 questions करवा दिए थे और last question जो था 7th question को मैंने छोड़ दिया था, तो आज मैं उस question को भी करा रही हूँ, question number 7 को। और ये जो topic है वो इसी से relate करता है, इसलिए मैंने ये question यहाँ पर लिया है। तो this is the exercise 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। अब पहले आप डिफरेंस समझिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हमने पहले वीडियो में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स पढ़ा था, वहां पर जो हम एंगल्स ले रहे थे वो हम इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं, है ना, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा, तो इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही थी। क्वाड्रिलेटरल में भी इंटीरियर एंगल्स के सम, एंगल का सम क्या आता है हमारे पास 360 डिग्री, ट्रायंगल में 180 डिग्री, लाइक दिस। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, इसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो आई थिंक कि कुछ स्टूडेंट्स को शायद इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं वो नहीं पता होगा, तो एक बार मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूं कि सपोज वी हैव ए ट्रायंगल और एनी पॉलीगन, तो कोई भी आप एंगल इसमें से लो, है ना, सपोज दिस ए बी एंड सी ट्रायंगल्स दिस, अगर इसकी जो साइड है उसको मैं आगे एक्स्ट्रा लोड कर दूं तो आपके पास दो एंगल बने इस लाइन पर, एक तो अंदर है और एक ये बाहर है। सो जो है आउटसाइड, इस पॉलीगन के आउटसाइड एक्सटीरियर में जो एंगल बना उन एंगल्स का हम सम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हुआ और ये अंदर वाला आपके पास क्या है, इंटीरियर है। सो अगर हम इसमें सारे एक्सटीरियर एंगल्स ड्रॉ करना चाहते तो आप क्या करोगे, इसमें हम रोटेशन वाइज करोगे, जैसे हमने ये साइड एक्सटेंड करी, नाउ एक्सटेंड दिस साइड, नाउ एक्सटेंड दिस साइड, तो हमारे पास यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल आया, ये एक्सटीरियर एंगल आया और ये एक्सटीरियर एंगल आया, मतलब जो आपकी साइड है और जो एक्सटेंडेड साइड आई आपके पास उसके बीच में जो एंगल है दैट इज द एक्सटीरियर एंगल, और इन एंगल्स का जो सम आएगा आपके पास वो क्या होगा हमें वो फाइंड आउट करना है, इज दैट क्लियर। तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी टाइप का कुछ फिगर बना हुआ है जहां पर ये साइड जो है वो एक्सटेंड करेगी है और some angles x, y and z are here and question is that find the value of x plus y plus z, है ना, इसका sum निकालना। तो let's try। अब देखो पहले अगर हम देखें तो यहां पर ये 90 degree है, 30 degree है and here one interior angle is missing here, है ना, कि दो interior angles दे रखे हैं लेकिन third interior angle आपको नहीं दिया है। तो suppose मैं इसको एक small a represent कर देती हूँ, x यहाँ पे already दे रखा है, और अल्फाबेट ले लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड दिस इंटीरियर एंगल ए और वो हमने लास्ट ईयर किया था, एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है ट्रायंगल की उसको यूज करें हम। तो क्या हो गया कि 90 प्लस 30 प्लस दिस स्मॉल ए एंगल दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। Now solve this equation and find the value of a. This will be 120 plus a equals to 180 and so 180 minus 120 that will be 60 degrees. Okay? तो हमारे पास ये a की value आ गई 60. Okay? अब हमें ये पहले x, y और z find out करने हैं और फिर हम उसका sum निकालेंगे। तो x, y, z भी देखो आप x कैसे निकाल सकते हैं? This is a straight line. है ना, और उसके आपके दो एंगल्स बने हैं, जैसे सपोज अगर मैं अलग से बना के बताऊं कि दिस इज एक्स एंड हियर इट इज 90, अगर 90 बनाना है तो अगर सपोज मैं इसको स्ट्रेट लाइन बताऊं, ये एक्स है और ये 90 है, तो सिंपली हम क्या ले सकते हैं, इसमें लीनियर पेयर वाला कांसेप्ट ले सकते हैं। तो लीनियर पेयर पर एंगल सम कितना होता है आपके पास 180 डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां ट्राई करें तो क्या हो जाएगा कि 90 प्लस एक्स
is equals to 180 and this is my linear pair. You have to write the reasons also. Okay, so x is equals to 180 plus minus 90 and this will be 90. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई. सेम ऐसे ही अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो y के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास y plus this linear angle 60 that is equals to 180. So y will be 180 minus 60 that is 120. तो हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई और सेम वे में हम यहाँ पर z की वैल्यू निकालें. मैं ऊपर वाला ये अभी नोट कर रही हूँ कि for finding this z we have z plus 30 equals to 180. So z equals to 180 minus 30 that is z is 150. तो देखो हमें जो क्वेश्चन में पूछा था x plus y plus z तो हमारे पास x भी आ गया y भी आ गया and z भी आ गया. Now we can easily sum these angles. तो हमारे पास क्या हो जाएगा x plus y plus z ना? That is x is 90, y is 120 and z is 150. अगर हम इसे properly sum करें तो देखो 120, 90 and 150 add करो आप. So this will be 16 and this is 360. तो आपके पास क्या है एंगल का सम 360 degrees. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीनों जो एक्सटीरियर एंगल थे उनका सम 360 आया और सेम पैटर्न में हमको ये सेकेंड पार्ट जो दिया है वो भी सॉल्व करना है. कैसे करते देखो और इससे क्या रिजल्ट निकलता है वो भी देखें हम. यहाँ पर आपके पास अब चेक करो कि क्या दिया है पॉलीगन 1, 2, 3 एंड 4 साइड आर देयर दैट इज 4 साइडेड पॉलीगन है दैट इज एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री. तो जैसे हमने यहाँ पर दो एंगल थे और वन मिसिंग था वैसे यहाँ पर भी देखें हम तो इस क्वाड्रिलेटरल में भी 3 इंटीरियर एंगल्स आपको गिवन है लेकिन 1 इज मिसिंग हियर. ठीक है, तो ये मिसिंग एंगल पहले जो हम निकाल रहे हैं लेट इट बी स्मॉल a. आप कुछ भी वेरिएबल इसमें पुट कर सकते हो. तो a हम कैसे निकालेंगे दिस a प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम हमारा 360 डिग्री होता है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेंट. नाउ सिंपली ए क्या हो गया हमारे पास दिस इज 140 प्लस 120 एंड हियर इट इज 260. सो सिंपली हमें पता चल रहा है कि दिस इज 360 माइनस 260 एंड दिस इज 100. तो ए की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 100 आ गई. अब जो एक्सटीरियर एंगल्स निकालने वो सेम वे में आप निकालोगे जैसे हमने लीनियर पेयर में किया था है ना. तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली अभी आपको लिख के बता रही हूँ कि कैसे करना है. आप प्रॉपर वे में राइटिंग पार्ट खुद करोगे. सिंपली अगर हम यहाँ लिखे कि दिस इज अ लीनियर पेयर यहाँ पर 120 है 120 प्लस एक्स इज 180 तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 60. एक्स हमारा 60 निकलेगा. सेम वे में अगर हम वाई देखें तो वाई में क्या है 80 प्लस वाई इज 180 that means y हमारा 100 हो जाएगा and z देखें हम तो 60 plus z is 180 so z is 120 and here it is w के लिए 100 plus w is 180 so w is e. तो आपके पास ये चार angles आ जाएंगे x plus x y z and w. तो हमें question में पूछा है इन सारे angles का sum तो चेक करो देखो आपके पास इन सारे एंगल्स का सम क्या आ जाएगा दिस 100 220 एंड दिस इज आल्सो 360 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि हमने जब ट्राइंगल के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम निकाला था उस पार्ट में तब भी हमारे पास क्या आ रहा था तीनों एंगल का सम 360 आ रहा था. सिमिलरली जब हमने क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का सम निकाला देन इट इज आल्सो 360 डिग्री. तो इससे आपके पास एक प्रॉपर्टी बनती है कैसे हम किसी भी पॉलीगन में कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हो आपके पास एक्सटीरियर एंगल जो होगा उनका सम हम निकालेंगे दैट विल बी ऑलवेज 360 डिग्रीज. ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वो इसी से रिलेट कर रहा है कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री. क्लियर, तो हमारे पास इंटीरियर एंगल का जो सम है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है ना. जैसे
180 होता है, क्वाड्रिलेटरल 360 होता है, पेंटागन में 540 होता है, बट ऐसे ही अगर हम सम एक्सटीरियर एंगल का निकालना चाहते हैं तो वो हमेशा हर पॉलीगन के लिए आपका 360 डिग्रीज ही होगा. क्लियर? अब एक केस अलग है इसमें कि अगर आपका पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन है तो हम क्या करेंगे, है ना. तो सपोज रेगुलर पॉलीगन के लिए मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ना, इक्विलैटरल एंड इक्विएंगुलर. ठीक है, तो अगर हम किसी रेगुलर पॉलीगन की बात करें, सपोज मैंने कोई हेक्सागन लिया, सपोज दिस इज रेगुलर हेक्सागन, दैट मींस ऑल दिस साइड्स आर इक्वल. और अगर मैं इसकी एक्सटीरियर एंगल्स की बात करूं, ना, इसके अंदर के भी सारे एंगल्स भी क्या है, इक्वल, इंटीरियर एंगल भी इक्वल है क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है. तो अगर हम इसके एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करें, तो एक्सटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप रोटेशन में इसकी साइड्स जो है वो एक्सटेंड करते जाओ, देखो आपके पास इस तरह से मिल जाएगा. तो जितने भी आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स आएंगे, है ना, वो सारे क्या होंगे हमारे पास, उनका सम आपका इस लॉजिक के अकॉर्डिंग 360 आएगा. बट अगर हमारे अंदर के सारे एंगल इक्वल है, इंटीरियर एंगल्स, है ना, तो बाहर के एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे. तो अगर सपोज मैं इसको x मानती हूँ, तो सारे एंगल्स को मैं x ही पुट अप करूंगी, मुझे y, z, w इस तरह से लिखने की जरूरत ही नहीं है ना. इंटीरियर एंगल इक्वल है, दैट मींस एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल है, तो सारे एक्सटीरियर एंगल्स जो है मैंने x पुट अप कर दिए. और अगर हमें यहाँ पर सम के अकॉर्डिंग देखूं, तो कितनी बार x लिखना होगा मुझे, 6 एंगल्स है, दैट मींस 6x मस्ट बी देयर इक्वल्स टू 360, है ना. तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा कि दिस इज 6x इक्वल टू 360 एंड x इक्वल्स टू 360 अपॉन 6, दैट विल बी 120, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 60. अब ये x क्या था हमारा, देखो x की वैल्यू आई, x था क्या हमारा, दिस इज द एक्सटीरियर, दैट मींस कि अगर हमें आपको रेगुलर पॉलीगन दिया है और उसका एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया, जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने लिया था 7 में, उसमें हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट किए थे, है ना, और फिर आपने उसको सॉल्व करके बताया था कि सम क्या था. अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमें नहीं पता है, वो हमने निकाला, यहाँ पर हमें सिंपली पता था कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है ना, पॉलीगन कौन सा है, हेक्सागन था, दैट मींस हमने हेक्सागन के हिसाब से 6 टाइम्स लिया, तो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री. सेम ऐसे ही अगर हम किसी भी जनरल पॉलीगन की बात करें, कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ साइड्स का कोई पॉलीगन है ना, n क्या ले रहे हो, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, तो n नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, वो भी आपके पास x n ही होंगे, है ना. जैसे अगर अभी हमने हेक्सागन लिया था तो 6 साइड्स थी, तो एंगल भी हमारे पास एक्सटीरियर वाले कितने मिले, 6 एंगल्स मिले. नाउ अब अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास n नंबर ऑफ साइड्स है और अगर इसको मैं एक्सटीरियर एंगल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वी विल गेट दिस 360 डिग्री की मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 डिग्री. अगर हम पहले वाले प्रश्न अभी बताया था, मैंने उसके हिसाब से रिलेट करूं कि 6 मेरे पास साइड थी और जो मेरे पास x मैंने लिया था वो एक्सटीरियर एंगल था, तो 6 into x हमने क्या लिखा था, 360. सेम ऐसे ही अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स नहीं पता है, तो मैंने n लिखा है और उस पर्टिकुलर पॉलीगन में जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 360. दिस इज ओनली फॉर द रेगुलर पॉलीगन्स, है ना. दूसरा कोई पॉलीगन होगा, इरेगुलर पॉलीगन होगा, तो आपके पास हर एक्सटीरियर एंगल अलग अलग होगा, हमें अलग अलग आपको पूरा उसका सम करना पड़ेगा. क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास दो फॉर्मूलास क्रिएट होते हैं कि आगे आपको एक्सरसाइज में भी इसको यूज करना है, कि कुछ क्वेश्चंस में हमें नंबर ऑफ साइड्स पूछी होगी, है ना, एंड एक्सटीरियर एंगल उस रेगुलर पॉलीगन का गिवन है, एंड इन सम क्वेश्चंस वी हैव टू फाइंड एक्सटीरियर एंगल एंड नंबर ऑफ साइड्स आपको गिवन है. तो इसी रूल से अगर हम बनाए, तो देखो अगर हमें एन नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, तो ये जो पार्ट है प्रोडक्ट में है, तो हम यहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, डिवाइड में,
will be 360 degree upon exterior angle. Here, a formula to give an aapke paas. This is only for the regular polygons. Phir bol rahe hai na. And similarly, agar hume n given hai aur exterior angle nikalna hai, to exterior angle equals to ये n क्या होगा divide में चला जाएगा, so this will be 360 divided by n. Is that clear? तो ये दोनों formulas आपके exercise में काम आएंगे, है ना? तो क्या है? For regular polygons, अगर number of sides find out करना है तो 360 upon exterior angle. Okay, you have to find exterior angle. Okay, exterior angle divide में ठीक है? और अगर हमें number of sides पता है और exterior angle निकालना है उस polygon का तो 360 upon n. Okay, now moving to your exercise 3.2, देखिए हम इसमें कैसे यूज करते हैं सारी चीजें. Now I'm taking this 3.2 exercise. Question number first part. Simply you have given this figure and you have to find x. यहाँ पर जो x है वो हमें find out करना है. तो look at this carefully. आपको ये क्या angles दिए? All these are the exterior angles. Okay? तो जैसा अभी हमने पढ़ा कि sum of the measure of all exterior angle of any polygon is always 360. सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, इन एंगल्स को अगर ऐड कर दें, 125 प्लस 125 प्लस x, दैट विल बी 360 degrees. फाइंड दिस x, इजीली आपको मिल जाएगा कि हमारा ये क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 250, दैट मींस 110 degrees. एंड जस्ट राइट द प्रॉपर्टी हियर. ओके, व्हाट इज द प्रॉपर्टी? Sum of the measure of exterior angle of any polygon is always 360. ठीक है? तो इसका सेकंड पार्ट भी है, वो आप खुद करिए, सेम इसी पैटर्न से करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली निकल जाएगा. ठीक है? सो नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो अभी मैंने आपको फार्मूलाज बताए है ना, उसके अकॉर्डिंग करना है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. क्या निकालना है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन. ये रेगुलर पॉलीगन है, उसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है. फर्स्ट पार्ट दिया है 9 साइड्स, दैट मींस कि अगर हम n जो है ना, नंबर ऑफ साइड्स दिया दिए हमें 9 दिए हैं और हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमारा फार्मूला क्या था? एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल्स टू 360 अपॉन n, दैट इज नंबर ऑफ साइड्स. सो अगर हम इसमें वैल्यू पुट अप करें, n की वैल्यू 9, सो इजीली कैंसिल हो रहा है ये, तो यू विल गेट 40. एक्सटीरियर एंगल जो आ गया आपके पास, दैट इज 40 डिग्रीज. क्लियर? तो आप ये कर सकते हैं, सेकंड पार्ट आप खुद करिए, हो जाएगा बहुत इजीली. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो मैंने यहाँ पर अभी एस्केप किया है, तो आप खुद ट्राई करो. सेम ऐसे ही आपको पूछा है उसमें भी कि वहां पर हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है और नंबर ऑफ साइड्स पूछी है ना, वहां पर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि n इक्वल्स टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल. क्लियर? तो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए फॉर्मूला यूज करो और फाइंड आउट करो आपका आ रहा है. नाउ आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना? लेट्स चेक. फर्स्ट रीड इट. क्या दिया है आपको इस क्वेश्चन में? यू हैव गिवन हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, मतलब वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स नहीं दिए, हमें निकालनी है रेगुलर पॉलीगन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री. अब देखो यहाँ पर हम जहां पर भी फॉर्मूला यूज कर रहे थे वहां पर एक्सटीरियर एंगल आ रहा था, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास क्या है? इंटीरियर एंगल दिया. दैट मींस बाय यूजिंग दिस इंटीरियर एंगल फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एक्सटीरियर एंगल. पहले हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, फिर जो हमारे फॉर्मूलाज थे उसमें अगर हम पुट अप करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा. तो कैसे निकाला हमने इंटीरियर एंगल? जस्ट अगर हम देखें कि सपोज मैं कोई भी ऐसी पॉलीगन बना देती हूँ, क्लियर, और अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल ये 165 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल सपोज मैं x ले लूं, कैसे निकलेगा? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में भी किया था इसके आगे वाले एक्सरसाइज के लिए कि ये एक लीनियर पेयर क्रिएट करेगा और उसके अकॉर्डिंग में ये x निकाल सकते. सो फॉर यहां पर इंटीरियर एंगल हमारा क्या दिया है? 165 डिग्री. तो अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है क्या हो जाएगा ये? 180 माइनस 165. जस्ट सबट्रैक्ट इट, 180 माइनस 165 यू विल गेट 5 एंड 15 डिग्रीज. तो हमारा एक्सटीरियर
क्लियर एंगल आ गया 15 डिग्रीज, अब इजीली हम यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ साइड्स? कि नंबर ऑफ साइड्स के लिए फॉर्मूला क्या है, जो मैं आपको कह रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में भी करना है, कि दिस एन इक्वल्स टू 360 डिग्रीज अपॉन एक्सटीरियर एंगल। सो नाउ वी हैव नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 एंड एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री, आप कट इट आउट 15 की टेबल से अगर कट करें तो 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, सो दिस 2 एंड दिस 60 विल बी इट 4 टाइम्स, तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 24, दैट मींस इट विल बी 24 साइडेड पॉलीगन जहां पर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल क्या मिलेगा हमें 15 डिग्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट इज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, is it possible to have a regular polygon with measure of exterior angle as 22? मतलब आपको चेक करके बताना है कि किसी regular polygon का exterior angle क्या 22 degrees आ सकता है या नहीं आ सकता। तो सिंपली जैसे अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था नंबर ऑफ साइड्स के लिए, वैसे ही अगर हम इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करें तो चेक करो कि क्या आता है सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, कि हियर इट इज एक्सटीरियर एंगल is equals to 22 and our formula is number of sides equals to 360 into 360 divide exterior angle. So, अगर हम check करें से 360 upon 22. Now, अगर हम इसे cut करके देखें, 2 की table से cut करें अगर हम, तो this is 180 upon 11. और आप इसको properly divide करके देखो, you will get the answer 16.3. अब आप खुद सोचो कि क्या हमारी किसी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स पॉइंट्स में आ सकती है क्या? नहीं, नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 10 होगी, 15 होगी, 5 होगी, 3 होगी, है ना, 16 हो सकती है, बट इट कैन नॉट बी 16.3, इंटीजर फॉर्म में ही आपकी आनी चाहिए ना, पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास 16.3 जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कि नो द एक्सटीरियर एंगल 22 कैन नॉट बी एंगल ऑफ दिस एनी रेगुलर पॉइंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो उसका डिवाइजर होना चाहिए, पूरा कट होना चाहिए, है ना। देन सेम वे में हमें यहाँ पर बी पार्ट पूछा है। अब बी पार्ट में देखो क्या बोला है हमें, कि चेक करो, सेम थिंग चेक करनी है, बट अगर ये इंटीरियर एंगल होता रेगुलर पॉलीगन, है ना, जो 22 डिग्रीज दिया है वो अगर इंटीरियर एंगल है तो क्या ये किसी पॉलीगन का एंगल आ सकता है या नहीं आ सकता है? जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन में किया था कि इंटीरियर एंगल हमें गिवन है, तो हमें पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना है। वी हैव गिवन इंटीरियर एंगल इक्वल टू 22 डिग्री एंड टू फाइंड एक्सटीरियर एंगल क्या था हमारे पास 180 माइनस दिस इंटीरियर एंगल, हमने एक क्वेश्चन आगे भी किया था, है ना, नाउ सबट्रैक्टेड इट विल बी 158 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड n, तो सेम प्रोसेस से आप चेक करो कि n क्या आता है, अगर पॉइंट्स में आता है तो यहां पर भी हमारे पास इसका पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, नाउ ये आप खुद करना ट्राई और चेक करके बताना कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज अ लॉजिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है फॉर योर एमसीक्यूज वन वर्ड फिलअप्स क्वेश्चंस के लिए। क्या दिया है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, कि मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है ना किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए। तो अभी हमने अलग अलग जो पढ़े हैं पॉलीगन ट्राइंगल, रेगुलर पॉलीगन है तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें, स्क्वायर की बात करें, है ना, तो ऐसे अगर सब में देखें तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या मिलेगा वो चाहिए। तो सबसे पहले हम देखें कि लीस्ट नंबर ऑफ साइड का पॉलीगन क्या होता है हमारे पास, सबसे छोटी छोटा पॉलीगन मतलब कि सबसे कम साइज वाला पॉलीगन क्या होता है हमारे पास, ट्राइंगल। और अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें, रेगुलर पॉलीगन है इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें पता है कि इंटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है 60 डिग्री, और इससे हायर ले हम तो हमारे पास क्या होता है फोर साइड का रेगुलर पॉलीगन स्क्वायर, इसमें क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री। तो ऐसे अगर आप नंबर ऑफ साइड इंक्रीज करते जाओगे तो इंटीरियर एंगल भी क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा, दैट मींस कि हमें मिनिमम जो एंगल मिलेगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल मिलेगा वो क्या होगा 60 डिग्रीज। और इसी तरह से हम सबके एक्सटीरियर एंगल देखें, सपोज अगर मैं यहाँ पर इसका एक्सटीरियर एंगल निकालूं तो 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा 120 डिग्री,
सेम हियर अगर हम इसका एक्सटीरियर एंगल निकाले तो इधर 90 तो इधर भी क्या होगा 90। और सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा, देखो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पूछा, मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा था और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पूछा। तो मिनिमम हमारे पास आ गया 60 डिग्री और यहाँ पर हम चेक करें तो 120 आ रहा है, हियर इट इज 90 और ऐसे करते जाएंगे तो छोटा होता जाएगा आपके पास नंबर ऑफ साइड्स अगर हम इंक्रीज करते जाते। तो हमारे पास मैक्सिमम क्या आया, यही इक्वेटर ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दैट इज 120 डिग्री। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो आएगा दैट विल बी 120 डिग्री एंड मिनिमम इंटीरियर एंगल जो है वो आपका 60। दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, है ना। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 3.2 पूरी कंप्लीट हो गई है। डू इट इन योर कॉपीज और जो क्वेश्चंस मैंने बीच में छोड़े हैं उसे आप कंप्लीट करके बताइए कि आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। सो बाय बाय।